हेलो गाइस, आज मैं आपको व्हाट्सएप मैसेजेस का एपिसोड 7 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अति पूर्ण के घर जाता है तो उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। तभी वहाँ उस घर के ओनर आते तो अतिप उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ओनर कहते हैं आप वही हो ना जो लास्ट टाइम पूर्ण के लिए रेंट भरा था। तो अतिप कहते हैं इस बार तुमने उससे कितने पैसे लिए और वो पैसे देने लगता है। तो ओनर कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया है। तो अतिप उसे गुस्से से देखने लगता है। तो ओनर कहते हैं तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो या फिर तुम मेरा ट्रू नेचर देख रहे हो। तो अतिप कहते हैं तुमने उसे यहाँ से निकाल दिया क्या तुमने उसके बारे में सोचा वो कहाँ जाएगा। तो ओनर कहते हैं वो उसका प्रॉब्लम है। तभी अतिप पून का स्टॉल का सामान देखता है और उसे देखकर वो सैड होता है और वहाँ से वो पिपॉप के रेस्टोरेंट में चला जाता है। वो बार बार पून का नाम ले रहा था। तभी वह पिपॉप आता है और उसे कहता है तुम फिर से यहाँ आ गए। तो अतिप कहता है मैं पून को देखने के लिए आया हूँ वो कहा है। तो पिपॉप कहता है उस दिन जब तुम आए थे और यहाँ जो भी तमाशा किया उसके बाद उसने यहाँ से रिजाइन किया। तो अतिप कहता है तो अब वो कहा है। तो पिपॉप कहता है पहले तुम शांत हो जाओ मुझे नहीं पता वो कहा है और मुझे नहीं लगता वो तुम्हें फिर से देखना चाहेगा। तो अतिप कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो पिपॉप कहता है तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए इसके बारे में सोचो और वो वहाँ से चला जाता है। भाईपन अतिप के ऑफिस में आते हैं और उसे कहते मैं बैंकॉक में इंटर्नशिप कर रही हूँ और काओ अब कंट्री में गए तो मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। मुझे सिर्फ इतना पता है पुन उसके किसी फ्रेंड के साथ रह रहे। बाद में पिंक आते हैं। पिंक कहते हैं मैंने इन दिनों में पुन को नहीं देखा है और ना ही उसके साथ कांटेक्ट हुआ है। बाद में बाकी शेफ भी आते हैं और वो कहते हैं हमें भी नहीं पता पुन कहाँ है। उन सबको पूछने के बाद भी उसे फिर भी पता नहीं था पुन एग्जैक्टली कहाँ गायब हो गया है। तो वो सैड होता है और कहता है पुन प्लीज मेरे लिए वापस आ जाओ। पुन थिंक के रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। थिंक खुश था क्योंकि पुन के आने की वजह से उसके रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे थे। मयूं थिंक को इतना खुश देखकर स्माइल करता है। बाद में थिंक और मयूं पुन के पास जाते हैं। थिंक पुन को थैंक्स कहता है और बोलता है कस्टमर तुम्हारे फूड से बहुत इम्प्रेस हो गए। तो पुन मयूं और थिंक को थैंक्स कहता है उसके मुश्किल वक्त पर उन दोनों ने सपोर्ट किया था। तो तेंग कहता है नहीं यही डेस्टिनी थी कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में शेफ बनोगे। तो मयूं कहता है पर मुझे एक बात समझ नहीं आई तुम सबसे छुप क्यों रहे हो। तो पून कहता है तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो। तो मयूं कहता है पिंक और बाकी शेफ मुझे हर रोज तुम्हारे बारे में पूछते ऑनेस्टली कहूँ तो मैं ये ज्यादा दिन उनसे छुपा नहीं सकता। तो पून कहते हैं तो क्या हुआ तुम उनके सामने ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। तो मयूं कहता है क्या तुम्हें नहीं पता अतिप तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। तो पून कहता है उसका नाम लेना बंद करो। तो मयूं कुछ कहने वाला था तो तेंग उसे रोक लेता है और पून को कहता है मुझे पता है तुम्हें अभी कैसा महसूस हो रहा है। तो मयूं कहता है अगर तुम उस पर गुस्सा होना बंद करोगे तो तुम्हारी रिलेशनशिप फिर से अच्छी होगी पर तुम ये मत भूलना वो पुरानी बातें फिर से तुम्हारे साथ होगी। एक्चुअली मैं ये तेंग के लिए कह रहा था। तो पून कहता है क्या तुम मेरे बारे में कह रहे हो क्या। तो मयूं कहता है मैं ऐसे ही जनरल बातें कर रहा था तेंग को समझ आता है वो उसके लिए ही कह रहा था। तो वो कहता है वो सही कह रहा है क्योंकि एक बार दिल टूट गया तो वो फिर से ठीक नहीं होता है। तो मयूं स्माइल करता है और कहता है अब मैं बाहर जाता हूँ बाहर बहुत सारे कस्टमर आ रहे है और वो वहाँ से चला जाता है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए बहुत सारा स्नैक्स लाते हैं। तो सेक्रेटरी कहते हैं मुझे लगता है मिस एमी को विजिट करके आने से आप बहुत ज़्यादा खुश हो इसलिए ये सब लाया है ना। तो ताइविज कहते हैं मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर वो उस पर डिपेंड है। तो सेक्रेटरी कहते हैं मिस्टर अतिप इन दिनों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो ताइविज कहते हैं उसे क्या हुआ है। तो सेक्रेटरी उसे सब कुछ बताते। तो ताइविज कहते हैं डोंट वरी मैं उसकी केयर करूँगा। ताइविज अंदर जाता है तो वो देखता है सारा खाना वही टेबल पर पड़ा होता है और अतिप अपने काम में बिजी होता है। तो ताइविज कहता है क्या तुमने कुछ नहीं खाया क्या क्या तुम ठीक हो। तो अतिप कहता है मैं ट्राई कर रहा हूँ पर मुझे पून ने बनाया हुआ फूड ही चाहिए। तो ताइविज उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए चांग मई से स्नैक्स लाया हूँ। तो अतिप कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए और उसे पूछता है तुम्हारा और एमी का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। तो ताइविज कहता है उतना खास नहीं मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता। और अतिप की तरफ देख कर कहता है अगर तुमने लंच नहीं किया है तो तुम मेरे साथ चलो। तो अतिप कहता है नहीं। तो ताइविज उसे उसके साथ आने के लिए मनाने लगता है। फाइनली अतिप मान जाता है। वो दोनों तिंग के रेस्टोरेंट में
लव इज थिंग से कहते हैं, हम कंपटीशन के पास से नहीं मिले हो, तुम्हारा रेस्टोरेंट हमेशा कस्टमर से भरा रहे तो हम नए ब्रांचेस ओपन करेंगे। तो थिंग स्माइल करके कहता है, ये तो बहुत अच्छा है पर बहुत टफ है, और थैंक्स यहाँ पर आने के लिए। और उन दोनों को बैठने के लिए कहकर मेनू कार्ड देता है। ताइविच फूड ऑर्डर करता है। जब तेंग अतिप की तरफ देखता है तो वो साइड बैठा होता है। बाद में उनका ऑर्डर आता है तो तेंग उन्हें खाना खाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। तेंग साइड में खड़ा होकर अतिप को देख रहा था, तभी वह मयूर आता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो पुन के फूड को पहचान पाएगा क्या? तो तेंग कहता है, मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है? तो मयूर कुछ नहीं कहता। ताइविच फूड टेस्ट करता है और कहता है, फूड डिलीशियस है, और उसे पूछता है, मुझे ये बताओ एग्जैक्टली तुम्हारे और पुन के बीच क्या हुआ है? तो अतीब कहता है, मुझे छोड़कर वो दूसरी जगह काम करना चाहता है पर मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने उस दिन उसे फाइट की। तो ताइविच कहता है, कभी कभी तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए, चलो वो बातें छोड़ो और खाना खाओ, वो जल्दी वापस आ जाएगा। तो अतीब कहता है, मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है। जब अतीब वो फूड खाता है तो उसे पता चलता है वो खाना पुन ने बनाया और वो खुश होकर कहता है, मुझे पता है पुन कहाँ है, और वो किचन में जाने लगता है तो मैं उसे रोक देता है। वो अतीब कहता है, तुम्हें पहले से पता था फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया, तो प्लीज अभी साइड हो जाओ। तो मैं उसे रोक कर कहता है, क्या तुम वो चीजें फिर से दोहराना चाहते हो क्या जो तुमने पीपॉप के रेस्टोरेंट में किया था? तो अतीब कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो मयंक कहता है, वो अभी तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहता है। तो अतीब कहता है, वो मुझे समझेगा जब मैं उसे सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा। तो मयंक कहता है, वो नहीं सुनेगा क्योंकि वो तुम पर गुस्सा है, अगर तुम उसे अभी मिले तो डेफिनेटली तुम्हें फाइट हो जाएगी। तो ताइविच कहता है, वो सही कह रहा है, अभी तुम उसे बात करोगे तो बातें और बिगड़ जाएगी। तो अतीब कहता है, तो मैं अब क्या करूं जिससे वो मेरी बातें सुने? पुन किचन में काम कर रहा था तभी वह मयू एक डिश लेकर आता है, उसमें सॉस से सॉरी लिखा होता है। पुन वो डिश देखकर मयू से कहता है, कस्टमर मुझे ये डिश क्यों देना चाहता है? तो मयू कहता है, क्योंकि उसने तुम्हें पहचान लिया है, और वो वहां से चला जाता है। पुन को समझ आता है वो डिश अतीब ने भेजी है। पुन वो डिश देखकर सैड होता है और उसे वॉश करता है। टैन फिर से रेस्टोरेंट में आता है। तेंग कस्टमर से बात कर रहा था तभी वो टैन को देखता है और उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो टैन कहता है, तुमने नहीं बताया तुमने एक नया शेफ रखा है, क्या तुम भूल गए हो क्या? ये रेस्टोरेंट हम दोनों का है, एटलीस्ट तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो तेंग कहता है, क्या तुम भूल गए हो क्या, हमारा ब्रेकअप हुआ है, तो मुझे नहीं लगता हमें साथ में काम करना चाहिए, तो मैं तुम्हारे शेयर लौटा दूंगा। तो टैन कहता है, पर मैं उन्हें बेचना नहीं चाहता हूँ। उन दोनों की बातें मयूर सुन लेता है। टैन कहता है, तुम बहुत चेंज हो गए हो। तभी वह मयूर आता है और कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, उसने तुमसे ब्रेकअप किया है तो फिर भी तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? तो टैन कहता है, तुम्हारे पास ब्रेकअप के लिए बहुत रीजंस थे पर तुमने मुझे नहीं बताया। तो तेंग कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तो टैन कहता है, मुझे क्लियरली दिख रहा है तुम उससे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो, इस मयंक की वजह से ना? तो तेंग कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है मेरा इसके साथ कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है। तो टैन कहता है, तुम एक्सक्यूज दे रहे हो, इससे बेहतर तुम मुझे बताई देते तुम मुझे चीट कर रहे हो। तो मयंक गुस्से से उसे कहता है, तुम मेरे सामने उसकी इंसल्ट कर रहे हो। तो तेंग मयंक को रोक कर कहता है, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है, मुझे मयंक के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये बात सुनकर मयंक को बहुत बुरा लगता है। तेंग को भी रियलाइज होता है उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो मयूर सॉरी कहता है और बोलता है, मुझे तुम दोनों के रिलेशनशिप में बात नहीं करनी चाहिए थी और ना ही पढ़ना चाहिए था, और वहां से चला जाता है। तो टैन कहता है, फाइनली तुम्हें पता चला? तो तेंग उसे समझाने के लिए जाता है तो टैन उसे रोक देता है। ओके गाइस, यहां हमारा एपिसोड 7 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।